بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، میں ہوں آپ کا میزبان مراد علی شاہ، حاضر ہوں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. آج ہم آئے ہوئے کیتو کے سیٹ پہ اور یہ بوسا بھر رہے ہیں، دیکھیں اس کو سٹور کر رہے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو. بہت ہی پیارا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے اور گرمی کے موسم میں سردی، بادل چھائے ہوئے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں. ہم لوگ ایسے صحرا کی طرف جا رہے ہیں، یار دوست ہیں، کھیتوں کی طرف نکلیں گے، ایسی گپ شپ لگائیں گے، دکھائیں گے آپ کو کھیت. یہ جی راستہ، بہت ہی پیارا راستہ، بالکل روڈ بنا ہوا. چلیں گے راستے پہ، باتیں بھی کریں گے ساتھ ساتھ میں. بہت ہی پیارا موسم اور بہت ہی خوبصورت علاقہ، خاموش، جی راستے میں گھر آ گئے، مسجد ہے، مدرسہ بھی ہے. خیر دی وتا، السلام علیکم. السلام علیکم، خیر دی روسنگے، خیر دے. السلام علیکم. یہ راستے میں دوست ملے منگو دیا دا سے لگ سارا گاڑی تڑے کھلے موسم دے. امیر صاحب خیر علی، وعلیکم السلام. شیرال سنگے رورا خیر سر گولا لا ولا خبلی. السلام علیکم سنگے رورا وقت دے گی تمہیں پکے ٹولا وسطے ٹرائی میں تم پہلے پکے رہا وسط. یہ جو کسانوں کی جگہ، کھیت کلیان جس کو بولتے ہیں، یہ کنواں، یہ پرانا سسٹم ہے پانی نکالنے کا، یہ بھی ختم ہو گیا، یہ کنواں پانی کا. ابھی سارا سسٹم ہینڈ پمپ پہ. یہ چارپائی پڑی ہوئی ہے، ٹھنڈی جگہ، یہ درخت ہے اور بادل بھی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا موسم ہے. خدا کرے ایک پرندہ بیٹھا ہوا کافی بڑا. خیر تین چار پرندے بہت بڑے بڑے بھائی، ارے برے، اور ساتھ میں جنگل ہے، سفیدے کا درخت ہے.
ये भिंडी लगी हुई है, ये सारे पौधे भिंडी के, मिर्ची, गंदम की कटाई हो गई, सारे खेत खाली हो गए। बहुत ही प्यारी जगह, हरी भरी, आप देखें कितनी प्यारी नज़र आ रही है। मौसम भी बहुत प्यारा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बादल छाए हुए, ये देखें पूरा इलाका। ये जी जंगल है, सफेदे की दरख्त है, माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम बनाया हुआ। राधे जी दुकान नाम खुदा कड़े दे, हाँ कम दे राधे खान राधा आखो उबरी माड़ा नेर दे राधे राधे दे दे दासी से लारी तू दे दारी तू दे दारी दंगल नू दे आओ कन आओ तू रखे आ रहे देखी ताऊ को दंगल ता ये जी बूटे लगे हुए जंगल है ये। चलो जी कोच करते रहो कोच करते रहो। हम रास्ते पे आ गए, ये बैल दिखा रहा हूँ कितना माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बैल, और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत रास्ता ही है, चारों तरफ दरख्त और साथ में ये नहर है पानी, ये देखें ये सारा पानी पानी माशाल्लाह, दरख्त और ये रास्ता खेतों पे जाने के लिए पक्का रोड बना हुआ, और साथ में पानी का नहर भी जा रहा है, एक साइड से भी नहर है और दूसरे साइड में भी नहर है। और ये अमीर साहब आ रहे हैं, अमीर साहब दे दंगा चल रहे छुट्टी निकल रहा सर खोलो वाले पिंजे लाड़ी ऊपर में खोली हाँ आना खत्म शी भी करा लाड़ू देना यार दा। ये जी कहते हरे भरे और जो खाली पड़े हुए इसमें गंदम था, कटाई हो गई गंदम की भी। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत और खामोश रास्ता है, न साइकिल है न मोटरसाइकिल है, ये खेतों का रास्ता है, इस पर इतना रश नहीं होता। ये जी गंदम अभी भी पड़े हुए देखें, और बारिश का इनकाम भी अल्लाह खैर करे। आज 13 तारीख है और फिर भी गंदम पड़े हुए, बहुत ही प्यारा मौसम है, देखें बादल छाए हुए सारे और ठंडी हवाएं चल रही है। 5वां महीना 13 तारीख है, गर्मी का मौसम है, मगर अल्लाह ताला ने बहुत एहसान किया हुआ, बहुत ही ठंडा मौसम किया हुआ। ये मेरे दोस्त जा रहे हैं आगे,
अब चलेंगे और आगे कहीं बैठेंगे, थोड़ा सा आराम करें। जी, त्रेशल के लिए गंदम इकट्ठे कर रहे। ये देखें, ये किसान लगा हुए गंदम को लेके आ रहे, और सामने त्रेशल और गंदम पड़ा हुआ, इसको अभी चालू करेंगे, इस गंदम की सफाई करेंगे। एक यार ये दीना गांव का इलाका, और ये खेतों के साइड में इसको बोलते हैं जबर। ये जबर वाली साइड ये रास्ता, और ये हम सुनसान रास्ता, बिल्कुल खामोशी, सिर्फ कौए ट्रैं ट्रैं कर रहे। चलो गोदरे के बस का तुम दे दो रसीदे लवान दिला, वह कैमरा में ना रख ली बस। सारा भूसा पड़ा हुआ गंदम का, इधर भी सारा भूसा। मौसम बहुत आलूद है, तेज हवाएं चल रही, और ये पानी का नहर, साथ में रास्ता किसानों के लिए। ये जी पानी का हेडपम्प लगा हुआ, ये सरकार ने लगाया पानी का हेडपम्प रास्ते पे, और ये खेत है। ये जी भूसे को स्टोर कर रहे। सलाम अलैकुम संगे अरुणा, खैर दे जी, वक्त ही रहेगी भूसाड़ा तड़ा है। ये जी भूसे का स्टोर करने का तरीका, ये देखें बिल बोर्ड लगाए हुए सारे, और ये कुआं जैसा बनाया हुआ इन लोगों ने, और इसमें भी भूसा ला ला के डालेंगे। भूसे भी दिखाता हूँ कहाँ से लेके आते हैं। ये जी भूसे को लेके आ रहे, लक बदामा, और वो बिलबोर्ड में इसको डालेंगे। ये जितना भूसा नजर आ रहा है सब बिलबोर्ड में इकट्ठा होगा। चलो अस्सलाम वालेकुम। संग जल्द आखिर भी हाँ, ये चारा है भैंसों के लिए, ये चारा काट रहे घास, और इसमें भूसा शामिल करेंगे, फिर जानवरों के सामने डालेंगे। हाँ संगे वो खतीरेगी, हाँ हम देख लास करो, हाँ बोले दोनों लड़के के ना देखो बारह उन्हें पता नहीं लगी। हाँ ये लोग देखो बलाशी दिशा, और ये भूसा है जी गंदम का। सलाम अलैकुम संगे अरोरा, चादर में डाल रहे हैं। चलो जी बांधो 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 इसको बांधो, किस तरीके से बांधते हैं उसके। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तरीका है भाई बांधने का, पठान का तरीका है। माशाल्लाह खींचो, आ रहे भूसा लेके, पूरा गंडा इसके सिर पे रखा हुआ। ये जी लाओ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरीके से इसको भरेंगे इस बिलबोर्ड को, और फिर इसको ऊपर उठाएंगे, और ये तकरीबन 5-6 फुट तक ऊपर जाएगा ये भूसा।
दिखाएंगे आपको किस तरह स्टोर होता है ये, आपको दिखाया कि भूसे को किस तरीके से स्टोर करते, चारपाई की मदद से या बिलबोर्ड लगाते हैं और इसी तरह भूसा डालते हैं और घूमते रहते हैं लोग, या आखिर में देख के मीठी लगा दिए, ये सारे भूसे पे मीठी लगा दिया और तकरीबन 8-10 महीने ये चलेगा, इसके बाद और गंदम आ जाते हैं और औरों को भी इस तरीके से स्टोर करते हैं। ये देखे सारा भूसा स्टोर पड़ा हुआ है, ये खराब भी नहीं होता और बारिश के पानी से भी बचा रहता है और इसी तरीके से इसको सालों साल चलाते रहते हैं, जानवरों का चारा बना के। ये खेत है भाई और सारे खेत गंदम से खाली हो गए, अभी इस पे मकई का बीज बोएंगे, मकई के लिए तैयार करेंगे इस जमीन को। ये सारे खेत है माशाल्लाह, प्रोग्राम को ख़त्म कर दें, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।